हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पर इस तरह का पोस्ट कैसे कर सकते हो, अपने प्रोफाइल में इस तरह का पोस्ट आप ऐड कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अब तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इस तरह का पोस्ट आप कैसे कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पर? तो इस तरह का पोस्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है इंस्टाग्रिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है इंस्टाग्रिड। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इस प्लस वाले कैमरे के ऊपर जो प्लस वाला आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों इसको एक बार परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऐप, यहाँ पर आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपको अपनी गैलरी में से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप इंस्टाग्राम पर लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, इस तरह से कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 3:3 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से 9 पार्ट में यहाँ पर दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 9 पार्ट में अलग अलग यहाँ पर इसके 9 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसको अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए क्या करना है, या तो आप इसको अपनी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहीं से इस डायरेक्ट भी इसको अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इसको सबसे पहले एक एक पार्ट आपको यहाँ पर इसका अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला जो पार्ट है इसका वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक पार्ट अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है उसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको इंस्टाग्राम पर लेकर आ चुके हैं। अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो ये फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आपको दूसरा फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम दूसरा जो नंबर है यहाँ पर दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको भी सीधा डायरेक्ट इंस्टाग्राम में लेकर चलते हैं, और यहाँ पर इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे इसके जो पार्ट है, आपने जो फ़ोटो अभी यहाँ पर देखा है दोस्तों, यहाँ पर इस फोटो के 9 के 9 पार्ट यहाँ पर हम इंस्टाग्राम पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट से यहाँ पर अपने सारे जो इस फोटो के पार्ट है यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पर किस तरह से अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है दोस्तों।